नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौपाल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सांची में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आदित्यपुर में गोली चालन और पत्थरबाजी करने के चार आरोपी देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। रामनवमी में विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर, विभिन्न थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें जारी। स्थापना दिवस पर भाजपाइयों ने संस्थापक को दी श्रद्धांजलि, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। और शहर में हुई एक अनोखी शादी, दुल्हन नाचते हुए बारात लेकर पहुंची दूल्हे के घर। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। बुधवार को सांची बाजार झंडा चौक स्थित फैशन वर्ल्ड नामक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। इसे पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आगलगी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। साक्ची थाना अंतर्गत झंडा चौक स्थित फैशन वर्ल्ड नामक कपड़े की दुकान में बुधवार को शॉर्ट सर्किट के अचानक आग लग गई। इसके बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास में जुट गई। लगभग 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। घटने की सूचना पाकर सिंहभूम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका समेत अन्य व्यापारी भी पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। इस दौरान बाजार की अग्निशमन व्यवस्था पर ज्यादा फोकस करने की मांग विजय आनंद मुनका ने की है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग दुकान की ऊपरी मंजिल पर लगी थी, जिस पर काबू पाया जा सका। तो मालिक है इंद्रजीत सिंह बिंद्रा सोनू भाई, उनसे बातचीत करने के उपरांत ही पता चलेगा। परंतु यहाँ पर आने के बाद जैसा अगल बगल वालों ने बताया कि संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, और जिस भी कारण से आग लगी, एक निश्चित तौर पर आग लगने की घटना निंदनीय है। परंतु दिन में लगा दुकान खुली हुई थी, तो तुरंत लोग एक्शन में आए, तो इससे नुकसान कम होगा। उधर सोमवार की रात आदित्यपुर थाना अंतर्गत घुमटी बस्ती में हुई गोली चालन और पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक देसी पिस्टल और एक जीवित कारतूस बरामद किया है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत घुमटी बस्ती में हुए पथराव और गोली चालन मामले के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक जीवित कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम गोलू गुप्ता, विशाल गुप्ता उर्फ छोटू गुप्ता, इमरान खान और मोहम्मद सलीम है। जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि मामले के अन्य अभियुक्त फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बता दें कि बीते सोमवार की रात गोलू गुप्ता, विशाल गुप्ता, इमरान खान और मोहम्मद सलीम सहित 8-10 लड़कों ने संजय दास के घर पर पथराव एवं फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। घुमटी बस्ती में फायरिंग एवं तोड़फोड़ की घटना की सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया गया, वहां पे जांच पड़ताल किया गया और उसमें शामिल जितने भी लड़के हैं उसमें से 4 लड़के लोग को गिरफ्तार किया कर जेल भेजा गया। एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। रामनवमी में जुलूस और अखाड़ा निकालने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी कर दी है, पर इस पर कितना अमल होगा ये देखने वाली बात होगी। कदमा थाना में आयोजित शांति समिति की बैठक में सभी अखाड़ा के लाइसेंसधारियों को गाइडलाइंस की पूरी जानकारी दी गई और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई। रामनवमी जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, प्रशासन की नींद भी उड़ती जा रही है। सरकार ने जो नया गाइडलाइंस जारी की है, उसमें शाम 6 बजे तक ही जुलूस या अखाड़े निकालने की अनुमति है। जुलूस में तलवार, ढाल या किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी है। डीजे बजाने या किसी भी तरह की प्री रिकॉर्डेड संगीत पर रोक है। जुलूस में 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर भी पाबंदी है। हालांकि 2 वर्षों के अंतराल के बाद इस बार झंडा जुलूस निकलेगा और इन आदेशों का पालन कितना होगा, ये प्रशासन उनका अनुपालन कितना करवा पाएगा ये देखने वाली बात होगी। सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकों का आयोजन हो रहा है और सभी अखाड़ों के प्रमुख और लाइसेंसधारियों को खासकर हिदायतें दी जा रही हैं। ये लोग का जुलूस कितने लोग देखे हैं, इधर निकलता है कि नहीं देखे हैं ना, कैसा होता है? सरदार लोग का जुलूस में जैसे होता है, देखिए उसका वॉलेंटियर्स रहता है। हम लोग का थाना से एक आध को सिपाही खाली लेता है,
वो क्या करता है, रस्सी खींचता है आगे पीछे दोनों साइड से रस्सी खींचता है। नहीं होना चाहिए, हम भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का पूजा। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला कार्यालय में भी भाजपाइयों ने संस्थापक को याद किया और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। तत्पश्चात भाजपाइयों ने सड़कों पर उतरकर जुलूस निकाला, जिसमें पूर्व सीएम रघुवर दास भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर जमशेदपुर में भी जिला कार्यालय में तमाम भाजपाइयों ने संस्थापक को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस मौके पर भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से राजनीति के साथ राष्ट्र नीति पर जोर देने को कहा। सभी ने इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को बड़े टीवी स्क्रीन पर देखा व सुना। जिनके बूते आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा सांसद किसी राजनीतिक पार्टी का है तो वह भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास, सबसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सांसद विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी अंडमान से लेकर अरुणाचल प्रदेश, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में आज देश दुनिया में उभरी है। जमशेदपुर में हुई एक अनोखी शादी, बैंड बाजा बारात, जिसमें पुरोहित महिला थी और दुल्हन बारात लेकर पहुंची। बारात में दुल्हन ने जमकर नृत्य भी किया। दरअसल सामाजिक बंधनों को तोड़ने और नया उदाहरण पेश करने के लिए सुरभि शर्मा और प्रशांत शर्मा ने आपसी सहमति से सभी रस्मों की अदायगी की। शहर में हुई एक अनोखी शादी, जहां पुरोहित महिला लड़की के परिवार वाले लड़के के पास बारात लेकर पहुंचे। कन्यादान तो नहीं हुआ बल्कि दूल्हा का गृह प्रवेश कराया गया। जमशेदपुर में एक अनोखी शादी हुई है। जमशेदपुर के गोलमूर स्थित एक होटल में इसका आयोजन हुआ। सामाजिक महिला कार्यकर्ता सुरभि शर्मा की शादी टाटा स्टील के मैनेजर स्तर पर कार्य करने पश्चिम सिंहभूम जिले के जगदलपुर के रहने वाले प्रशांत शर्मा के साथ। सुरभि शर्मा खुद महिला उत्थान की दिशा में काम करती है और अपना स्टार्टअप भी चलाती है। प्रशांत शर्मा और सुरभि की मुलाकात अपने कॉमन दोस्त के माध्यम से हुआ और फिर उन्होंने जमशेदपुर के गोलमूर स्थित होटल में शादी की। शादी में पुरोहित महिला थी जो कोलकाता से आई थी, जिन्होंने बंगला पांचांग से उनकी शादी कराई। शादी में कन्यादान नहीं हुआ। बारात लड़की वाले लड़के के घर यानी होटल पहुंचे। आपने बारात में लड़कों को या दूल्हे को नाचते देखा होगा, लेकिन यह अनोखी बारात की जहां लड़की खुद जमकर नाचती नजर आई। हालांकि यह शादी अपनी तरह का नया प्रयोग सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए की गई थी। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर के रोड नंबर 21 निवासी बिजनेसमैन आनंद शर्मा और उनके चिकित्सक डॉक्टर मंजू शर्मा की छोटी बेटी शर्मा चाहती थी कि सामाजिक बंधकों को तोड़ा जाए और महिलाओं के साथ जिस तरह से शादी के नाम पर शोषण होता है उसकी मिथक को तोड़ा जाए। नमस्कार, मेरा नाम सुरभि शर्मा है और मैंने अपनी शादी में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए। मैं एक समाज सेवी हूँ और इसलिए मैंने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट, इक्विटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया है। मेरी शादी में मैंने कन्यादान नहीं करवाया, मेरी शादी महिला पुरोहित द्वारा की गई। मैंने अपनी शादी में घूंघट भी नहीं पहना था और मैंने अपने हस्बैंड का गृह प्रवेश कराया, साथ ही मैंने अपनी बारात खुद ही निकाली। ये सारी चीज़ें करने के पीछे का आइडिया ये था कि मैं समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम महिलाएं
सिर्फ लज्जा का प्रतीक ना बने, हमें भी खुल के जीने की आज़ादी है। मैं हम सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी के, हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। टाटा मोटर्स के सहयोग से संचालित होने वाली संस्था मानसिक क्लब की ओर से विभिन्न स्कूलों के चयनित 99 छात्र छात्राओं के बीच स्कॉलरशिप का वितरण किया गया। टाटा मोटर्स के सहयोग से संचालित सामाजिक संस्था मानसिक क्लब की ओर से इस साल शहर के अलग अलग सामाजिक संस्थाओं द्वारा नॉमिनेट किए गए विभिन्न स्कूलों के 99 छात्र छात्राओं के बीच स्कॉलरशिप का वितरण किया गया। आपको बता दें कि निर्धन और गरीब छात्राओं की शिक्षा और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज में मानसिक क्लब हर साल सहयोग करती है। इस साल कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। टाटा मोटर्स के सहयोग से चलने वाली सामाजिक संस्था मानसिक क्लब का स्थापना 1997 में किया गया था। तब से लेकर आज तक संस्था हर साल जरूरतमंद बच्चों के बीच स्कॉलरशिप का वितरण करती आ रही है। जमशेदपुर से सटे चांडिल स्थित आशु किस्कू मेमोरियल बीएड कॉलेज के नए सत्र की शुरुआत में पूरे कॉलेज प्रबंधन द्वारा हाथी खेता मंदिर जाकर पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि विगत दिनों कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज में 12 नए शिक्षकों की बहाली की थी। जहां एक तरफ कोरोना काल में लोगों की नौकरी जा रही थी, वहीं इस कॉलेज ने नए शिक्षकों को नौकरी प्रदान की। कॉलेज के प्रबंधक एवं तमाम नए शिक्षक बुधवार को पटमदा प्रमुख स्थित प्रसिद्ध हाथी खेदा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत बाबा हाथी खेदा की पूजा अर्चना की और कॉलेज तथा सभी शिक्षकों के मंगल कामना का आशीष मांगा। कल से कॉलेज में सभी विभागों के ऑफलाइन क्लासेस आरंभ हो जाएंगे। हम लोग का जो कॉलेज कोरोना के चलते बंद था, जो ऑनलाइन क्लास होता था, तो हम लोग आज जो 8 मार्च को हम लोग का जो इंटरव्यू था, जो हम लोग जो टीचर लोग को जो अपॉइंटमेंट देने का वाला बात था, यूनिवर्सिटी से अप्रूव होकर आ गया है। आज हम लोग सब लोगों को इंटरव्यू कॉल, हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर, हम लोग 12 आदमी को जो कोरोना में जो आदमी लोग को नौकरी चल जा रहा था, लेकिन आज हम लोग उस 12 आदमी को अपॉइंटमेंट दे दिए। और आज हम लोग हाथी खेदा बाबा जी के पास आशीर्वाद लेकर जो सब आदमी जो टीचर लोग आए थे, नॉन टीचिंग आए थे, मैनेजमेंट लोग भी आए थे। उधर सोनारी में ज्वारा पूजा के पांचवें दिन भव्य शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर द्वारा रेड क्रॉस भवन के बाद एग्रीको स्थित खाओ गली में दूसरी शाखा खोली गई है, जिसमें इंडियन और चाइनीज सभी व्यंजन उपलब्ध हैं। वेंचर जो है उमा कैफे का, उसके बारे बुलाए थे आप लोगों को, और एक प्रेस के साथ एक तालमेल होना चाहिए, तभी आगे बिजनेस बढ़ता है। प्रेस एक चौथा स्तंभ है देश का, क्या तो नए ब्रांच कहाँ चालू कर रहे हैं रेड क्रॉस के बाद? खाओ गली एग्रीको। क्या क्या आइटम्स है? चाइनीज में सारा कुछ रहेगा, इंडियन एंड चाइनीज। वह बहुत अच्छे नाश्ते और खाने का व्यवस्था है, आप लोग सदैव आइए, फैमिली लेके आइए और लुफ्त उठाइए। कपाली में अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने के क्रम में 15 वर्षीय छात्र शेख शहनवाज डूब गया था। उसका शव 2 दिनों बाद गोताखोरों ने खोज निकाला है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत सोनरेखा नदी की काड़ी पत्थर घाट पर 15 वर्षीय शेख शहनवाज सोमवार दोपहर नहाने के क्रम में डूब गया था। शहनवाज का शव रात 10 बजे घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ। ग्रामीणों ने इसके शव को नदी से बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार को शहनवाज अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। नहाने के क्रम में वह गहरे पानी में चला गया। सोमवार को पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की तलाश की, पर अंधेरा होने की वजह से उसे ढूंढा नहीं जा सका था। इसलिए मेरा बच्चा डेथ हो गया, हमको कोई प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमारा गांव वाला, मेरा बस्ती वाला सब भाई लोग हमारा बच्चा को निकाल के ले गया मेरा घर। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
the Yunus Khans, specialist in car AC compressor repairing and new fittings. बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे, और अभी कूलिंग कॉइल चेंज करवाए हैं और प्राइस एकदम रिजनेबल है। यहाँ पे आइए, काम बहुत अच्छा होता है और हम काफ़ी टाइम से हैं, एटलीस्ट हमको लगता है 5-7 साल से आ रहे हैं। पहली बार आए हैं लेकिन हमारा एक साथी करवाए थे, मनीष कुमार नाम है, टाटा स्टील में साथी, उनका काम काफ़ी अच्छा हुआ था और उनके बारे में बोले थे, आइए बढ़िया काम करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट, value for your money and your family's comfort, car AC repairing and new fitting with latest machine, expert hands, reasonable rate, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा लक्ष्य, वर्षों से आपके विश्वास पर कायम। मोहम्मद यूनुस खान, शहीद निर्मल महतो गैरेज गांव, ओसी रोड नियर खरकाई ब्रिज। कॉन्टैक्ट 9835160895। खान सामान, द स्पेशल किचन फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉर ऑल ओकेजन्स। द रियल टेस्ट ऑफ चाइनीज, इंडियन एंड मुगले। खान सामान, लजीज व्यंजनों के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। जोमैटो सर्विस अवेलेबल, पूरी तरह हाइजीन का ख्याल रखते हुए किफ़ायती, स्वादिष्ट और हर तरह के व्यंजन हमारे विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार। शॉप नंबर 16, ऑपोजिट भोपाल स्वीट्स, नियर कदमा थाना, कदमा जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9798874725, 7257886080। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास, अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं, और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीजों को कम एक कीमत पे खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्ची, जमशेदपुर। एलकाडो हेल्थ केयर, आवर एक्सपर्टीज योर हेल्थ। एलकाडो हेल्थ केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, एलकाडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिस्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एलकाडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एलकाडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडियाट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एलकाडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्टुपुर, जमशेदपुर।
फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280-44446, 47, 48 and 49। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन, आपकी खूबसूरती पर चार चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियां, कांच की फैंसी चूड़ियां, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस सिटी गोल्ड, कुंदन सेट्स, इंडियन एंड वेस्टर्न इयररिंग्स, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर ए, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271-99046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट
9308081071 9031. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। All types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.